नमस्कार मित्रों, ये आइशर का पंप है जो कि इसके जो ये बुश हैं ये कट चुके हैं। ये देख लीजिए, ये बुश पंप रोड ये कट चुके हैं। अब इनको हमने बुशों को नया लगाया है। ये देखिए, ये बुश इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि पंप रोड ढीली हो करके गरारी फंसने लगती है और हमारा इंजन सही स्पीड में नहीं चलता, कभी स्लो फास्ट होता रहता है। इसलिए ये हमने बुश नए बुश लगा दिए हैं, पुरानों बुशों को निकाल लिया गया है। ये देखिए, ये पंप रोड नई पंप रोड है इसके अंदर। और ये देखिए, थोड़ा सा कहीं कहीं अटक रही है, इसलिए हम एक बार रैमर से इसको फ्री कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से फ्री कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्री करेंगे ताकि ये कहीं अटके नहीं और हमारा इंजन सही स्पीड में चलता रहे। ये देखिए, ये फ्री हो चुकी है पंप रोड, बुश बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुके हैं। इस तरह से हम सेट करेंगे। अब इसके अंदर ये 342 नंबर का एलिमेंट है, प्लंजर एलिमेंट, इसको इसके अंदर रिलीज करेंगे, पंप बॉडी के अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से 342 नंबर का एलिमेंट सादे आइशर इंजन के अंदर लगता है, जो गुड अर्थ होता है उसके अंदर लगता है ये गुड अर्थ आइसर। ये 342 नंबर का एलिमेंट ये देख लीजिएगा। ये 558 नंबर का डिलीवरी वाल इसके अंदर लगता है, 558 नंबर का डिलीवरी वाल इसके अंदर लगाएंगे हम। ये देख लीजिएगा, 558 नंबर ये उल्टा चमक रहा है। ये देख लीजिए, 558 नंबर का डिलीवरी वाल, इसके अंदर एक प्लास्टिक की वॉशर हम लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से प्लंजर को फंसा लिया है अपनी जगह पर सामने। ऊपर से डिलीवरी वाल रख करके ये इस तरह से पंप प्लग को खींच देंगे, पंप होल्डर को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये डिलीवरी वाल हमने रख दिया है, अब अच्छी तरह से टाइट करेंगे प्लंजर को। ये देखिए, सामने कट में कट मिला लेंगे, सामने निशान दिखाई दे रहा है बारीक सा करारी के अंदर, और पंप रोड में भी सामने निशान है। ये आपस में दोनों को मिला करके इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हम सामने करके मिला लेंगे। अब पंप कॉलर लगा करके ये स्प्रिंग लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से स्प्रिंग लगा करके हम इस तरह से फिट कर देंगे। अब चेक कर लेंगे इसको, हमारा तेल सही दे रहा है या नहीं। देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट तेल दे रहा है। ये देखिए, ये अब हमने बंद किया है, बंद भी हो रहा है। ये देखिए, कंप्लीट हो चुका है, ये पंप रोड बिल्कुल फ्री हो चुकी है मित्रों। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है ताकि हम ये
कहीं अटके नहीं, ये इसलिए हमने बुश लगाए हैं। नमस्कार मित्रों, मिलेंगे आगे अगली वीडियो में।